हे गाइज, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे पास एक सैमसंग की मोबाइल है, इसमें क्या है कि पाइटन लॉक लगा है। आज की इस वीडियो में आपको इजीली तरीके से इसका पाइटन लॉक को तोड़ करके दिखाऊंगा। सैमसंग की कोई भी मोबाइल हो, आप इस वीडियो को देख करके अपना जो है पाइटन लॉक, पिन लॉक, फेस लॉक, कोई भी लॉक लगाया रहेगा आसानी से तोड़ सकते हैं पाइटन लॉक या पिन लॉक को। ठीक है, हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखोगे, हम आपको आसान और सरल तरीके बताएंगे आपको इसका पाइटन लॉक तोड़ने का। आपको कोई भी इतना तरीका नहीं बताएगा सरल जो जितना हम बता दे रहे हैं। चलिए हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है। इसको पहले स्विच ऑफ करेंगे, पावर ऑफ यानी करेंगे, देखेंगे पावर ऑफ कैसे होता है। यहाँ पर पावर ऑफ करेंगे तो जो है पाइटन लॉक मांग ले रहा है, ये पावर ऑफ नहीं हो रहा है। इसको पावर ऑफ कैसे करेंगे अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पावर ऑफ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको एक डाटा केबल ले लेना है, ठीक है, डाटा केबल ले करके आपको ऐसे लगा देना है। लेकिन डाटा केबल जो है लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगाए रहना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो दो मिनट के लिए किसी दुकान पर चले जाइए, सिर्फ आपको डाटा केबल लगा देना है लैपटॉप में। लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर तीन बटन दिखेगा, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आपको पावर बटन और बीच वाली बटन जिसे आवाज धीमी करते हैं उस बटन को, दोनों बटन को एक साथ दाबेंगे। जब स्क्रीन में लाइट बंद हो जाए तो आपको इस वाली बटन को छोड़ देंगे जिससे आवाज धीमी कर, उस बटन को छोड़ करके जिससे आवाज तेज करते हैं उस बटन को दाबना है। लेकिन ये बटन को दबाकर ऑलरेडी रखना है, छोड़ना नहीं है, सिर्फ बीच वाले बटन को छोड़ना है। देखिए हम जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, ठीक है। देखिए बीच वाले बटन और पावर बटन दोनों को एक साथ दाबे हैं, ठीक, देखिए देखते रहिए इसे, ठीक है। देखिए मैं दबा करके रखा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप ऊपर वाले बटन को पकड़ लेंगे, बीच वाले बटन को छोड़ करके ऊपर वाले बटन को पकड़ लेंगे। लाइट आने के बाद आपको इस वाले बटन को, पावर बटन जो दाबे हैं उसको छोड़ देंगे और इस वाले बटन को पकड़ के रखे रहेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा आपको, इसके बाद इस वाले भी बटन को छोड़ देंगे। इस वाले बटन को जब छोड़ेंगे तो आपको आपको यहाँ पर डाउन बटन जिससे आवाज़ धीम करते हैं उस बटन को ऐसे नीचे लाना है, इसे नीचे ला करके इसके बाद देखेंगे वेब डाटा फैक्ट्री रिसेट है, आपको उस पर ला करके पावर बटन को दबा देंगे। इसके बाद देखेंगे फैक्ट्री, इसके बाद आपको डाटा केबल निकाल देना है, डाटा केबल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डाटा केबल निकालने के बाद आपको बीच वाले बटन से नीचे लाएंगे, देखेंगे यहाँ पर फैक्ट्री डाटा रिसेट, आपको पावर बटन को दबा देना है। सारा जो है पूरा पाइटन लॉक पिन लॉक जो भी लॉक लगा रहेगा रीसेट कर देगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर रिबूट सिस्टम नाउ, आपको पावर बटन को दोबारा दाब देना है। दोबारा जब दाबेंगे मोबाइल जो है पावर ऑफ होके रीस्टार्ट होगी। रीस्टार्ट होने में कम से कम डेढ़ मिनट का टाइम लगता है, आपको वेट करना है। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अगर आपका पाइटन लॉक पिन लॉक कोई भी लॉक लगा हो अगर टूट जाता है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। इसको रिसेट होके ओपन ही होने दीजिए। इसके बाद इस मोबाइल को कैसे सेटअप करते हैं लास्ट में जाकर के, इसको रिसेट होने के बाद इसको सेटअप करना पड़ता है। इसको कैसे सेटअप करेंगे हम वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। इसको रिसेट होके ओपन होने दीजिए, तब तक हमारे वीडियो को आप लाइक किए नहीं हो तो लाइक कर देना। लाइक करने से क्या होता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और वीडियो बनाने में हमारी मदद मिलती है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने में हमारी मदद मिलती है। उससे क्या होता है, हमारा उत्साह बढ़ जाता है कि मेरे वीडियो को लाइक सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसको रिसेट होकर ओपन होने दीजिए, इसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं। देखते हैं हमारी मोबाइल जो है रीस्टार्ट होके ओपन होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर देख सकते हैं रिस्टार्ट होकर ओपन हो चुकी है। इसको आप कैसे सेटअप करेंगे, अब वीडियो को ध्यान से देखिए। अब आपको यहाँ पर देखेंगे रिस्टार्ट का ऑप्शन है, आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। सैमसंग की कोई भी मोबाइल हो इस वीडियो को देख करके अपना जो है पैटर्न लॉक पिन लॉक को तोड़ सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, इसके बाद एग्री कर देना है। एग्री जब कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आएगा, आपको स्किप कर देना, दोबारा स्किप कर देना है। स्किप कर देंगे इसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा, सिम निकालने के लिए बोल रहा है, सिम आपको निकाल देना है, इसमें सिम नहीं लगा रहना चाहिए रिसेट करते समय। ठीक है, देखते हम सिम निकाल दिए हैं। ठीक है, आपको इसके बाद आपको स्किप कर देना है, दोबारा स्किप कर देंगे। इसके बाद आपको मोर एक्सेप्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको स्किप कर देना है, दोबारा स्किप कर देना है। इसमें यहाँ पर प्लीज वेट दे रहा है, आपको वेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट, स्किप, स्किप, एग्री कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन आया, आपको फिनिश कर देना है। इसके बाद एग्री कर देना दोबारा। आपको देखते हैं हमारा जो है पैटर्न लॉक टूट चुका है। आप ऐसे आसान तरीके से पैटर्न लॉक पिन लॉक किसी भी मोबाइल का तोड़ सकते हैं, कोई भी मोबाइल, सैमसंग की कोई भी मोबाइल हो, आप आसान तरीके से पैटर्न लॉक पिन लॉक को तोड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।